हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको ऑल पर्पज ग्रेवी बनाना बता रही हूँ, जिससे आप कोई भी सब्जियां बना सकते हैं। आप देखिए, ये मैंने आधा किलो प्याज ली है जिसको बहुत महीन काट लिया है, चॉपर की मदद से चॉप कर लिया है, और 400 ग्राम के करीब मैंने टमाटर किए हैं। थोड़ा सा प्याज से कम है, यानी आधा किलो वो है और 400 ग्राम टमाटर है। 400 ग्राम हमने टमाटर को भी बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने अदरक लिया है 1 इंच, एक हरी मिर्च है और 7-8 मैंने लहसुन की क्लॉव्स लिए हैं। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको पीस लूंगी, पेस्ट बना लूंगी। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता है, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है और 2 लौंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म होना रख दिया है। अब मैं इसमें ये खड़े मसाले डाल दूंगी और साथ ही साथ मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी। ये अच्छे से भुन जाए, इसकी खुशबू आ जाए। स्लो गैस पर ही हमें करना है, अच्छे से भुन जाए और इसमें ऑयल में जो है इसकी खुशबू आ जाएगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये प्याज जो हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है इवनली ब्राउन हो। अच्छे से ब्राउन करना है हमें इसे। इस बीच में आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने ये काजू को उबाल लिया है। 13 से 14 पीस काजू है जिनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। टुकड़ा काजू है तो आप 20 से 25 ग्राम ले सकते हैं। ये देखिए, प्याज भुनना शुरू हो गया है और थोड़ी देर हमें और लगेगी। ऐसे हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। हैवी बॉटम का पैन हमें लेना है। ये हमने मिर्च और धनिया, मिर्च और अदरक और लहसुन पीस लिया है और ये हमने काजू का पेस्ट बना लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, काफी प्याज जो है वो भुननी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट, इसको भी हम अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे और इसमें से जितने ही खड़े मसाले हैं हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये पूरा भून गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट, चॉप्ड टोमेटो, और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर जल्दी जल जाए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक और इसको अच्छे से भूनते हैं हम। ये देखिए, बहुत अच्छे से जो है टोमेटो सॉफ्ट हो गया है, भून गया है, ऑयल भी आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और ये लिए हैं मैंने मसाले, एक चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है और 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। इन सबको हम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करेंगे। टोमेटो के साथ ही अच्छे से भून जाएंगे। 1 मिनट के लिए इनको हम भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा कलर आएगा और बहुत अच्छी ये ग्रेवी बनने वाली है। बाकी मसाले मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि जब भी आप इससे कोई सब्जी बनाएं, यानी आप इससे बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं। जब भी आप इससे कोई सब्जी बनाएं, अगर आपको किचन किंग की जरूरत है तो किचन किंग डाल दीजिए, कोई और मसाला डालना है, चना मसाला डालना है तो वो डाल दीजिए। इसलिए मैं ज्यादा इसमें मसाले अभी नहीं मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसी समय वो मसाले मिला सकते हैं। मसाले वो अच्छे से भुन गए हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे काजू का पेस्ट लगातार चलाते हुए ताकि वो फटे नहीं। गैस को कर लेंगे बिल्कुल धीमा और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसको पूरा। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, चलाते रहना है हमें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको भूनेंगे जब तक ये हमारा ऑयल ना छोड़ दे इसमें। अब आप देख सकते हैं
ग्रेवी ने तेल जो है वो छोड़ दिया है, ये देखिए, और बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो गई है। और मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने की कोशिश करेंगे और इसकी बनी हुई सब्जियां बहुत अच्छी लगेंगी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर आपने काजू का पेस्ट नहीं डालना है तो जहां तक हमने मसाले डाले हैं वहीं तक सब्जी को, इसको ग्रेवी को भून कर रख लीजिए। ये भी फिर सभी सब्जियों में काम आ सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल टच देना चाहते हैं तो उसके लिए काजू का पेस्ट अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि आपको ये मेरी ग्रेवी पसंद आई होगी और आप जरूर ट्राई कीजिएगा। हैवी बॉटम पैन में बनाइए ताकि वो नीचे से लगे नहीं। और ये देखिए, ऑयल जो है वो छूट गया है, अच्छा कलर ग्रेवी में आ गया है। अब मैं आपको इसको निकाल के बताती हूँ। और यहाँ आपको 1/4 से 1/2 कप ऑयल लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑयल छूट जाएगा तो आप उसको अलग किसी डिश में निकाल सकते हैं और कोई भी सब्जी आप सर्व कर रहे हैं तो उसको ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये ज्यादा दिन तक ग्रेवी रखनी है तो उसके लिए हमें ऑयल डालना बहुत जरूरी है। अगर आप उसी समय बनाकर खाना चाहते हैं तो ऑयल डालने की जरूरत, ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये बन गई है हमारी यम्मी सी लगने वाली ग्रेवी। जरूर ट्राई कीजिएगा।